इस समय आप सभी लोग देख रहे होंगे कि देश भर में एक चर्चा का टॉपिक जाति आधारित जनगणना बना हुआ है। और आपको बता दूं कि इस तरह की टॉपिक जब भी चर्चा में रहते हैं तो इनसे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वैसे भी आप लोग देखते होंगे जो आपकी जनगणना होती है इससे क्वेश्चंस भी आपके 2-3 क्वेश्चंस आप देखते हैं हर परीक्षा में आ जाते हैं। और अभी तक आपने देखा है कि 2011 के जो आंकड़े थे उन्हें ही हम लोग पढ़ते थे। जैसे ही आप देखेंगे 2021 के आपके आंकड़े आ जाएंगे तो उन्हें हम लोग, हमारे लिए वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएंगे, उनसे क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे। और जब भी इस तरह का कोई टॉपिक चर्चा में रहता है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ी भी बहुत जानकारी अपने पास रख लेनी चाहिए। अब आप देखिए जातिगत जनगणना के भी 2 पहलू हैं। जिस तरह से आप देखते हैं ना एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं तो उसी तरह आपको इसके भी देखने को मिलेंगे। इसके कुछ आपको पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलेंगे, कुछ आपके नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलेंगे। और आप देखते हैं कि जब आपकी मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो पूछ लेता है कि आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए या फिर नॉर्मल कह देगा टिप्पणी कीजिए, तो आप देखते होंगे कि आप लोग पहले उसके बारे में 2 लाइन लिख देते हैं, फिर उसके आप देखते हैं सकारात्मक पॉइंट लिखते हैं, नकारात्मक पॉइंट लिखते हैं, लास्ट में अपना निष्कर्ष दे देते हैं, यानी कि अपनी राय दे देते हैं। और वैसे भी आप अगर भारत में रह रहे हैं तब मुझे लगता है कि आप अपने यहाँ की जाति के जो ताने वाने हैं इसे मुझे लगता है कि मालूम भी होना चाहिए। और आप सभी जान रहे हैं कि अभी राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। और वैसे भी आप देखिए कि आपकी जाति कितनी है या दूसरे की जाति कितनी है इसके बारे में मुझे लगता है कि मालूम हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको मालूम होगा कि 1931 तक ये जाति आधारित जनगणना होती आई है, ये कोई नई बात नहीं है। 2011 में भी आप देखें आंकड़े इकट्ठे किए गए थे लेकिन उनमें कुछ कमियां होने के कारण उन्हें अंतिम रूप से जारी नहीं किया गया था। अभी 2021 की जनगणना में बात की जा रही थी तो आपने देखा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा, जिसे आप लोग शपथ पत्र भी कहते हैं, दाखिल कर दावा किया है कि पिछड़े वर्ग की वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है। और सरकार का यह भी कथन महाराष्ट्र राज्य द्वारा 2021 की जनगणना के दौरान राज्य में पिछड़े वर्गों की जाति के आंकड़ों को एकत्रित करने के संदर्भ में दाखिल किए गए रिट याचिका के उत्तर में एक तरह से दिया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है। और आपको एक और बात बताऊं, एक तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ आरक्षण का एक मुद्दा बना हुआ है और आरक्षण में हस्तक्षेप करने से कोई भी सरकार हो बचती आई है। आपने देखा है कि जब बिहार में 2015 में चुनाव हुए तो आपने देखा है बीजेपी के एक नेता ने किसी ने आरक्षण के बारे में कुछ शब्द कह दिए तो उसके बाद आपने देखा है प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सभी सफाई देते रह गए और आपने देखा कि वो चुनाव हार जाते हैं। तो इसलिए आप देखिए कि इस तरह की जाति आधारित जनगणना हो या फिर आप देखिए आपका आरक्षण का मुद्दा हो, इनसे हर केंद्र सरकार कोई भी सत्ता में रहती है वो बचना चाहती है, वैसा वो दूर रहना चाहती है इन मुद्दों से। और आप देखिए कि इसका हो सकता है कि आने वाली जो भी चुनाव होंगे अगर ये चुनावी मुद्दा अच्छे से बन गया तो जो सत्ता में पार्टी होगी उसे नुकसान भी, राजनीतिक नुकसान भी उठाने को मिलेगा। अगर हम लोग सरकार की बात करें कि जाति आधारित जनगणना के विरोध में सरकार क्या रुख अपना रही है, क्या कह रही है, जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करवा सकती है केंद्र सरकार, तो इसमें उसका कहना है कि अनुपयोगी डाटा। केंद्र सरकार का यह तर्क है कि जब स्वतंत्रता पूर्व अवधि में जातियों की जनगणना की गई थी तब भी डेटा पूर्णता और सटीकता के संबंध में प्रभावित हुआ था। और इसमें कहा गया है कि 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना में दर्ज जाति आधारित आंकड़े डेटा अधिकारी उद्देश्य के लिए अनुपयोगी हैं क्योंकि उनमें तकनीकी खामियां अधिक है। यहां एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा अपनी तरफ से, देखिए आप सोचिए कि 1931 या उससे पहले आप लोग जाइए 1881 में आप देखते हैं कि नियमित रूप से आपकी जनगणना
10 साल में एक तरह से शुरू होती है। और आप सोचिए कि उस समय तो आप देखिए लैपटॉप टैबलेट इस तरह की कोई तकनीक भी नहीं थी। आज तो आप देख रहे हैं कि 21वीं सदी में आप लोग खड़े हुए हैं, तकनीक की दुनिया में खड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर इसका हवाला अगर केंद्र सरकार देती है कि तकनीक ही नहीं है हमारे पास, कुछ कमियां हो सकती है, तो मुझे लगता है कि ये हास्यास्पद एक तरह से मुद्दा कह सकते हैं या तर्क कह सकते हैं आप लोग। इनका दूसरा तर्क है कि आदर्श नीति उपकरण का ना होना। सरकार ने कहा है कि जातिगत जनगणना की नीति 1951 में छोड़ दी गई थी। और इसके अलावा केंद्र ने स्पष्ट किया है कि जनसंख्या जनगणना आदर्श साधन नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी जाति को छिपाने के उद्देश्य से जनगणना में अपना पंजीकरण नहीं कराते हैं। और यह जनगणना की बुनियादी अखंडता और समग्रता से समझौता कर सकता है। और प्रशासनिक, इनका तीसरा तर्क है कि प्रशासनिक रूप से जटिलतम। इसके अतिरिक्त सरकार ने माना कि 2021 की जनगणना में जातिवार गणना किए जाने में अब काफी देर हो चुकी है। और जनगणना की योजना और तैयारी लगभग 4 वर्ष पहले शुरू हुई थी और जनगणना 2021 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एक बात और आपको बता दो, यहाँ एक और आप लोग पॉइंट डाल सकते हैं कि मतलब इससे देखिए जाति आधारित जनगणना होती है, अगर करवाई जाती है तो आप देखते हैं कि जो जाति जातियों में आप देखते हैं ना भेदभाव या तनाव, ये बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि आप सोचिए कि कहीं किसी जाति की जनसंख्या उन्हें पता चलती है कि हमारी इनसे अधिक है, तो आप देखेंगे वहां वो अपने वर्चस्व की लड़ाई शुरू कर देंगे, दूसरी जाति के लोगों को दबाना शुरू कर देंगे। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको बताया है कि इसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। तो जब भी आप लोग इसका अगर आंसर लिखने के लिए आता है तो इसमें ये पॉइंट भी लिख सकते हैं सरकार की तरफ से, और ये भी आप लोग लिख सकते हैं जातिगत तनाव बढ़ेगा जातियों में एक तरह से, समझ रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग जाति आधारित जनगणना के पक्ष में बात करें, इसके पक्ष में अगर तर्क आपको देना है, तो जाति आधारित सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों या फिर कल्याणकारी योजनाओं के संरक्षण के लिए सांख्यिकीय औचित्य स्थापित करना उपयोगी होगा। और यह तब एक कानूनी अनिवार्यता हो सकती है जब अदालतें आरक्षण के मौजूदा स्तरों का समर्थन करने के लिए मात्रात्मक डेटा की मांग करती हैं। और एक बात और आप लोग याद रखिए, अगर आप जातियों की जनगणना नहीं करते हैं, आप लोगों को मालूम ही नहीं कि कौन सी जाति की जनसंख्या कितनी है, तो आप कोई भी कार्यक्रम लाते हैं, कोई भी कल्याणकारी योजनाएं लाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका बेहतर क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है, जातियों का उद्धार नहीं किया जा सकता है, जातियों को आरक्षण किस तरह से मिले इसका निर्धारण आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आंकड़े ही नहीं है। और दूसरा, आप देखिए कि आरक्षण भले ही आपका लागू है, लेकिन आप देखिए कि आपके सामने आंकड़े ही नहीं है, तो आप आरक्षण किस तरह से लागू कर सकते हैं या किसे मिल रहा है आरक्षण का लाभ, किसे नहीं मिल रहा है, इसके बारे में पता कैसे कर सकते हैं। और देश में एक व्यापक प्रयास के जरिए सभी परिवारों की जातिगत स्थिति की गणना से गरीब परिवारों की पहचान और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू करने में मदद भी मिलेगी। आपको कहां किस क्षेत्र में किस तरह की योजनाओं को लागू करना है, कौन से कार्यक्रम चलाने हैं, इनका बेहतर आप लोग प्रबंधन कर सकते हैं, कब, जाति आधारित जनगणना के बाद ही, ठीक है। अगर हम लोग जनगणना के बारे में बात करें तो वैसे जनगणना की शुरुआत होती है 1872 में। आप देखेंगे इस समय लॉर्ड मेयो का समय था। लेकिन अगर आपसे नियमित जनगणना की बात करें, भारत में जनगणना की शुरुआत औपनिवेशिक शासन के दौरान 1881 में लॉर्ड रिपन के समय होती है। नियमित रूप से प्रबंधक एक तरह से पूरे भारत की बात कर रहा हूं। जनगणना का आयोजन सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय जनसंख्या से संबंधित आंकड़े प्राप्त करने, संसाधनों तक पहुंच, सामाजिक परिवर्तन, परिसीमन से संबंधित आंकड़े आदि का उपयोग करने के लिए किया जाता है। और हालांकि 1940 के दशक की शुरुआत में, यानी कि वर्ष 1941 की जनगणना के लिए भारत के जनगणना आयुक्त WWM Yeats ने कहा था कि जनगणना एक बड़ी बेहद मजबूत अवधारणा है, लेकिन विशेष जांच के लिए यह एक अनुपयुक्त साधन है। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना की अगर हम लोग बात करें तो 1931 तक हुई है। हमारे देश में जाति आधारित जनगणना 1931
1930 तक हुई है, जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे बंद कर दी जाती है और 2011 में इसे पहली बार आयोजित किया जाता है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे इसके आंकड़े जारी नहीं किए जाते हैं। और सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना का आशय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक भारतीय परिवार की निम्नलिखित स्थितियों के बारे में पता करना, आर्थिक स्थिति पता करना, ताकि केंद्र और राज्य के अधिकारियों को वंचित वर्गों के क्रमचयी और संचयी संकेतकों की एक श्रृंखला प्राप्त करने और उन्हें इसमें शामिल करने की अनुमति दी जा सके, और जिसका उपयोग प्रत्येक प्राधिकरण द्वारा एक गरीब या प्रवंचित व्यक्ति को परिभाषित करने के लिए किया जा सके, और इसका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति से उसका विशिष्ट जातिगत नाम पूछना, जिससे सरकार को यह पुनर्मूल्यांकन करने में आसानी हो सकती है कि कौन सी जाति समूह आर्थिक रूप से सबसे खराब स्थिति में है और कौन सी बेहतर है। और आपको भी आप देखिए कि आपकी अपनी जाति के बारे में मालूम चल सकेगा कि देश में आपकी जाति कितनी है, कितने परसेंट है, और आपको आरक्षण किस हिसाब से मिला हुआ है, सरकार में हिस्सेदारी किस हिसाब से मिली हुई है, इस सब के बारे में भी आप लोग बेहतर प्रबंधन या बेहतर जान सकेंगे। और आप देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना में व्यापक स्तर पर असमानताओं के मानचित्रण की जानकारी देने की क्षमता है। और जनगणना और हम लोग अगर आर्थिक सामाजिक और जातिगत जनगणना के बीच के अंतर की बात करें तो जनगणना भारतीय आबादी का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करता है, यानी कि पूरी आकृति आपके सामने रखता है, जबकि आप देखेंगे कि आर्थिक सामाजिक जातिगत जनगणना राज्य द्वारा सहायता के योग्य लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपाय और साधन हो सकता है। और आप खुद ही सोच के देख लीजिए एक बार कि अगर सरकार को मालूम ही ना हो कि ST कितने हैं, SC कितने हैं, या फिर आपकी जाति और भी कितनी है, तो आप सोचिए कि उनके लिए जो नीति बनाने की बात हो, जो योजनाएं लाने की बात हो, उनका निर्धारण, उनका उन्हें लागू किस तरह से कर सकते हैं। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी को अपने परिवार के मेंबरों के बारे में मालूम ही ना हो, परिवार की मुखिया को मालूम ही ना हो कि हमारे परिवार में कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं, तो आप सोचिए कि परिवार का मुखिया उनके बारे में किस तरह से कुछ भी काम करना है, कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, कोई भी सोचिए आप लोग त्योहार कुछ भी हो, उसके बारे में कोई भी नीति बनाना है, रणनीति बनाना है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी बेहतर रणनीति या नीति या कोई और काम कर सकता है। ठीक है, आप भी तो सोचते हैं कि शादी आपके यहाँ होती है तो आप लोग पहले से एक तरह से अनुमान लगा लेते हैं कि 400 आदमी आएंगे, 500 आदमी आएंगे, इनकी व्यवस्था ये होगी, इनके खाने की व्यवस्था ये होगी, रहने की व्यवस्था ये होगी, तो यही हाल है एक तरह से आप समझ सकते हैं। चूंकि जनगणना वर्ष 1948 के जनगणना अधिनियम के अंतर्गत आती है, और इसलिए सभी आंकड़ों को गोपनीय माना जा सकता है, जबकि आप देखेंगे सामाजिक आर्थिक जनगणना जातिगत जनगणना की वेबसाइट के अनुसार सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग कर सरकारी विभाग परिवारों को लाभ पहुंचाने या फिर प्रतिबंध करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें आगे की अगर राय की बात करें तो हालांकि सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना की अपनी बड़ी चिंताएं भी हैं, लेकिन जनगणना में एकत्रित डेटा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जैसे अन्य बड़े डेटा सेट से जोड़ने और समन्वित करने से सरकारों को कई सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद भी मिल सकती है। और इसके अतिरिक्त जनगणना से स्वतंत्र विभिन्न मुद्दे पर जनसंख्या में मौजूद सभी संप्रदायों और उपजातियों को स्थापित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर प्रारंभिक सामाजिक मानवशास्त्रीय अध्ययन किए जा सकता है। जाति आधारित जनगणना एक जाति विहीन समाज के लक्ष्य के साथ बेहतर गठबंधन प्रतिस्थापित नहीं सकती, लेकिन यह समाज में असमानताओं को दूर करने के साधन के रूप में काम कर सकती है। एक बात और आपको बता देता हूँ, आप देखते होंगे कि हमारे देश में अनुसूचित जातियों या जनजातियों, इनकी जातिगत जनगणना होती है, यानी कि आप देखिए कि और एक और धार्मिक जनगणना भी होती है। फिर आपको मालूम कैसे चलता है कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या इतनी है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या इस राज्य में इतनी है, और आप देखते होंगे कि धार्मिक कि आपको मुस्लिम इस राज्य में इतने हैं, इस राज्य में इतने जैन धर्म के हैं, इतने आपके सिख ईसाई या हिंदू धर्म के हैं, तो इनकी जनगणना हमेशा होती है। और मुझे लगता है कि उसी में अगर एक कॉलम भी और जोड़ दिए जाए
और वैसे भी तकनीक के क्षेत्र में हम लोग ठीक ठाक स्थिति में हैं, और 2-4-10 कॉलम जोड़ने से मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी हम लोग जाति आधारित जनगणना से बहुत कुछ कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे देश में आप देख रहे हैं कि धार्मिक राजनीति होती रहती है, जाति आधारित जनगणना होती रहती है, तो थोड़ी और बढ़ जाए क्या फर्क पड़ता है, मेरा विचार है। आपका क्या विचार है आप ही बताइएगा। चलिए, इसके बारे में इस तरह का अगर कोई भी टॉपिक आता है, कहीं पूछा जाता है, कोई आपसे पूछता है, तो बड़े सचेत होकर, बड़े जागरूक होकर वहां बात करनी है आपको, बड़ा बैलेंस बनाकर आपको लिखना है, क्योंकि इस तरह के टॉपिक आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। आप देखिए, आरक्षण रिजर्वेशन से क्वेश्चन आते रहते हैं, और रिजर्वेशन पर भी आप लोगों को बड़ा ध्यान देकर, मतलब पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट और अपना निष्कर्ष, जो अपना अपनी राय है, उसे भी बेहतर तरीके से दिया करिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें फंसने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। हम एक तरफ भटक जाते हैं, अगर हम लोग आरक्षण के पक्ष में हैं तो हम सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट लिख देते हैं, और आरक्षण के हम लोग विरोधी हैं तो हम नेगेटिव पॉइंट लिखते हैं, आरक्षण को पूरी तरह से नकार देते हैं। यहाँ हम लोगों को दोनों, एक तरह से दोनों तरफ ध्यान रखना होगा और बराबर बैलेंस बना के लिखना होगा, ठीक है।